साथ ही आज उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित सभी महानुभावों को भी बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज की इस अत्यंत ही मनोहरी परेड को देखकर अभिभूत हूं। परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के सामने सुंदर परेड प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ था। भाइयों बहनों, यह हमारा कर्तव्य है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम सब अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। मैं आज की परेड की मुख्य अतिथि और देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपका अत्यंत कठिन जीवन संघर्ष, आपका अदम्य साहस और आपकी प्रेरणास्पद राजनीतिक यात्रा हर एक भारतीय को प्रेरित करती है। आपकी जीवन यात्रा हम सबके लिए इसलिए भी प्रेरणादायी है क्योंकि आपने अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन समर में विजय श्री प्राप्त की है। आप भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, शोषितों और वंचितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले सभी के लिए आप आशा की किरण हैं। मैं आपकी जीवटता, आपकी समर्पण शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आपने अपने जीवन में सदा कर्म प्रधान विश्वकरी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और विकट परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने विनम्रतापूर्व आचरण को बनाए रखा। आप सदैव सादा जीवन, उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही हैं और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है। समय कम है इसलिए मैं बहुत अधिक न बोलते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मैं और मेरी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। 23 वर्षों में पहली बार बहुत सारे काम हुए हैं। 23 वर्षों में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। 23 वर्षों में पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किया गया है और इन 23 वर्षों में ही हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। पहली बार प्रदेश की महिलाओं के लिए
30% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। पहली बार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इन 23 वर्षों में पहली बार राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पहली बार आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है और 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। हमने जो प्रयास किया है, हमने जो मेहनत की है, वो आप सबके समक्ष है और हमारा संकल्प है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास करना, हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति करना। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाए और हमें विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ आगे जो हमने काम प्रस्तावित किए हैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमने महिला नीति बनाई है जिसको अति शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजनाएं लाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमारी महिलाएं राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। एक बार फिर से मैं अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदया का उत्तराखंड पधारने पर पुनः हृदय की गहराइयों से उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प को दर्शाने वाली इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वप्न यही है, लक्ष्य यही है, उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाना है, सत्य यही है, संकल्प यही है, देवभूमि का मान बढ़ाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मेरा पुलिस महानिदेशक महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध कि माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु आग्रह करने का कष्ट करेंगे। यह चिन्ह हम सब प्रदेशवासियों की भावनाएं हैं। कार्यक्रम के अगले क्षण में उत्तराखंड के 23 वर्षों की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। मेरा तकनीकी टीम से अनुरोध कि कृपया लघु फिल्म प्रदर्शन का कष्ट करें। स्वर्णिम दशक की स्वर्णिम आभा से देश का मान बढ़ाता राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर साल 2000 उत्तराखंड के अस्तित्व में आने का दिन। राज्य आंदोलनकारियों के अनेक बलिदान और संघर्ष के बाद ये दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। राज्य आंदोलनकारियों का अलग राज्य का सपना पूरा हुआ और आज देश के 28वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य देश की माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संरक्षण और मार्गदर्शन, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। अपने स्वर्णिम दशक की ओर अग्रसर उत्तराखंड राज्य में आज शहरों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तस्वीर बदल रही है।
23 साल की विकास यात्रा में आज प्रदेश ने अपने प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध वन संपदा, पर्यटन, निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों के साथ और कई अन्य क्षेत्रों में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उत्तराखंड राज्य ने विकास की रफ्तार के साथ तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसका उदाहरण है आज की अर्थव्यवस्था जीडीपी के ये आंकड़े, जो राज्य गठन के समय जहां महज 14,501 करोड़ रुपए थे, वहीं आज 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं। इतना ही नहीं पर कैपिटा इनकम जहां 15,285 थी, वहीं आज 2,32,011 रुपए पहुंच गई है। आज राज्य में गरीबी दर में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य गठन के समय जहां यह आंकड़ा 32.7% था, वहीं आंकड़ा आज घटकर 9.2% हो गया है, जो ये बता रहा है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तराखंड सरकार की नीतियों से जन कल्याण हो रहा है। विकास के बानगी की तस्वीर राज्य की सड़कों का फैलता जाल बताता है, जिसमें